हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो एक बहुत बेहतरीन कंपनी से रिलेट करता है। ओके, बहुत अच्छा शेयर है और अभी भी वो अपनी लगभग 35-40%, ओके, जब पेंडेमिक हुआ था तो तब जब शेयर्स गिरे थे तब से अभी भी वो 40% अभी भी उसमें इतना कैलिबर है कि जो उसका 52-week हाई था उधर तक वो जा सकता है। ओके, और जाएगा भी। थोड़ा सा सिचुएशन की वजह से वो इसी एरिया में फंसा हुआ है। बहुत सारे शेयर है जो रिकवर नहीं हो पाए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे शेयर नहीं है, वो बहुत बेहतरीन शेयर है। ओके, और मार्केट में एक निफ्टी 50 का एक शेयर है, तो उस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। उसके ऊपर आप भी ध्यान दीजिएगा, पूरी लास्ट वीक तक वीडियो पर बने रहिएगा ताकि पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप समझ सके। ओके, और जान सके कि हमें इस शेयर को क्यों लेना चाहिए। ओके, कितना कैलिबर और बचा, लगभग 35-40% तक का कैलिबर इसमें बचा है कि ये जिस दिन सब कुछ नॉर्मल हुआ तो 35-40% तक तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा वो और भी आगे मतलब 52-week हाई को तोड़ते ही साथ और भागना शुरू करेगा। इस तरीके का इतना बेहतरीन शेयर है, तो आइए उस शेयर की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे बना रखी है, तो उन शेयर को भी देखिए, उन वीडियो को भी देखिए ताकि आपको क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग शेयर्स होने चाहिए, तो अलग अलग शेयर्स, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बेहतरीन शेयर का वीडियो बना रखा है, तो जाके देखिए ताकि आपको नॉलेज मिल सके एज वेल एज आप उनमें इन्वेस्ट भी कर सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया है कि अभी पेंडेमिक में ये शेयर थोड़े चढ़े नहीं है। ओके, अभी भी उससे जूझ रहे हैं क्योंकि इनका 52-week का ही बहुत ऊपर था। ओके, तो इस वजह से आप यहाँ पर से ये छोड़ दीजिए, 1 day, 1 week, 1 month। ओके, 3 months में भी इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए है क्योंकि काफ़ी नीचे चला गया था, फिर काफ़ी इसने रिकवर किया, बट अभी 52-week हाई तक नहीं पहुँचा जो उस पर पेंडेमिक से पहले था। बट अगर हम आते हैं 10 years पे, 5 years पे, तो देखिए क्या बेहतरीन रिजल्ट है। 5 years 224.66% के रिटर्न, और 10 years का देखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं कि जब मैं कोई शेयर खरीदता हूँ तो 10 साल को तो सोचते ही हूँ कि 10 साल तो उसे रखूँगा। तो कोई भी शेयर जब आप खरीदें तो सोचिए कि 10 साल के लिए मैंने बुक कर लिए। तो यही अगर 10 साल तक का अगर परफॉर्मेंस देखते तो 1064.26% के रिटर्न आपको साफ के साफ दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और अभी भी इसमें इतना कैलिबर है कि जब ये भागेगा तो बहुत ये पकड़ में नहीं आएगा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो आइए देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास लगभग 60.80% के प्रमोटर्स के पास शेयर है। प्लेयर्स की बात की जाए तो कोई भी शेयर प्लेयर्स नहीं है, कोई भी शेयर कर्ज में नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी स्लाइटली कम करी है, 7.98। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी स्लाइटली कम करी है, 3.78% की अभी हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनी ने अभी खरीद लिया है और इंश्योरेंस में ये सेक्टर काम भी करता है। ओके, 1.65% की ये शेयर इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदे है। एज वेल एज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम करी है 0.98, बट नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, मतलब 24.87% की हिस्सेदारी अभी भी रखते हैं। तो आइए उस शेयर की तरफ चलते हैं। तो शेयर का नाम ऑलरेडी आपको पता ही चल गया होगा, तो फिर भी देख लेते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व दो पार्ट्स में बना है, बजाज फाइनेंस प्लस में बजाज का इंश्योरेंस का पार्ट। ओके, तो ये कंपनी इंश्योरेंस एज वेल एज उसमें आपका इसमें मैनेजमेंट में भी काम करती है, लेंडिंग में भी काम करती है। तो देख लीजिए एक बार हिस्ट्री देख लीजिए, बजाज फाइनेंस फिनसर्व लिमिटेड ए पार्ट ऑफ बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज अ इंडियन फाइनेंशियल सर्विस। ओके, जैसे कि बजाज फाइनेंस का नाम ले दिया मैंने, कंपनी फोकस ऑन लेंडिंग, ओके, जो बजाज फाइनेंस करती है, एसेट मैनेजमेंट, ओके, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। तो बजाज फिनसर्व एक बेहतरीन कंपनी है, बजाज फाइनेंस तो लोग जानते हैं, ओके, बट बजाज फिनसर्व उसका बाप है, कह सकते हैं ये पेरेंट कंपनी है। ओके, बजाज फाइनेंस जैसे बेहतरीन कंपनी है एज वेल एज बजाज फिनसर्व भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि ये उसका बजाज फाइनेंस इसका एक सब पार्ट है और बजाज फाइनेंस पेरेंट कंपनी है।
काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और इंश्योरेंस की बात की क्या जाए, जैसे पेंडामिक हुआ है तो सब इंश्योरेंस के पीछे भाग रहे हैं, तो काफ़ी इसमें आगे भी बहुत पोटेंशियल है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 साल पहले का परफॉर्मेंस देख लीजिए पहले, कि ये लगभग 10,000 के आसपास ये कंपनी चलती थी, 10,000 पे ये आसपास कंपनी चल रही थी। बट पेंडामिक हुआ, ओके, पेंडामिक आते साथ ये कंपनी कितने पे आई, लगभग 4,000 पे ये शेयर इनका आ गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 52 वीक लो भी दिखाऊंगा मैं आपको, 4,000 के आसपास ये कंपनी आ गई थी। और फिर देखिए, फिर भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, और लगभग आज की डेट में 46% के इसने अभी तक तो रिटर्न दिए ही दिए, जब किसी ने नीचे से लिया होगा। आज भी 6,000 पे ये खड़ी हुई है। 1 डे में आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 2 डे में, 5 डेज में, 1 मंथ में नेगेटिव, 6 मंथ में नेगेटिव, ओके। बट आप 1 ईयर का देखिए, है ना, वहाँ पर भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बट 5 ईयर्स का अगर जैसे चार्ट पैटर्न देखते हैं, कहाँ 1,800 रुपये की कंपनी थी, 1,800 रुपये पे शेयर मिलता था, और आज देखिए 10,000 तक गया था, ओके। एज वेल एज मैक्सिमम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें नीचे से किस तरीके से, 2008 में कंपनी जब लिस्ट हुई किस तरीके से ये भागा है, 10,000 तक ये शेयर गया है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी अगर हम देख लेते हैं इसका मैक्सिमम से देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, ओके, 10,000 पकड़िए, क्योंकि इतना ही था, तो लगभग 37 यहाँ दिखा रहा है, मैं 40 कहूँगा कि 40%, ठीक है, अभी भी ये बचा हुआ है। जब ये इसके साथ जो भी ये अभी चल रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस के साथ जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे सारे सारे आपको पता ही है, सारे शेयर भाग चुके हैं, बट फाइनेंस और बैंक से रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो इतने रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो ये जब भागेगा, ओके, जब ये बैंकिंग और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो डिफरेंट डिफरेंट अभी मोरेटोरियम एज वेल एज डिफरेंट जो बैंकिंग से परेशानियाँ चल रही है, ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन ये शेयर, ठीक है, 10,000 को क्रॉस करेगा, और 10,000 को क्रॉस करने के बाद ये रुकेगा नहीं। तो इसकी तरफ आप ध्यान बनाइए, इसलिए मैंने ये वीडियो आप खासकर बनाया है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है और ये गिर रहा है। जितना आप गिरता जाए उतना खरीदते रहिए, एक एक दो दो पाँच पाँच दस दस शेयर जिस अपने कैलिबर के हिसाब से खरीदते रहिए, और डेफिनेटली ये बहुत आगे जाने वाला है। इसके अलावा आज के परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, तो एक सेक्टर का पीई 23 है और इसका पीई 146.54 है। कई लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा पीई है, बट आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे शेयर्स, अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर्स का पीई हमेशा आपको हाई मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। जैसे कि 52 वीक लो की बात की गई थी, तो 3985, 27 मार्च को ये इतने पे आया था, और 52 वीक हाई की बात की गई थी, तो लगभग 9950, लगभग 10,000 थी, पकड़िए 10,000 तक इसमें 30 जैन पर ये ट्रेड कर रहा था, ओके। और आज के दिन में ही देखिए 23.06, जैसे ही गिरा तो लोग भी भागे, और जितना गिरेगा लोग उतना ज़्यादा इसे उठाएंगे, क्योंकि कितना बेहतरीन शेयर है ये आपको अभी नहीं पता, बट जैसे ही आप ट्रेड करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जून का क्वार्टर आया था, तो जून के क्वार्टर में काफ़ी बेहतरीन इसने रिजल्ट भी पेश किए थे, ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, 32 जून में 319, जहाँ पर पैसे सब लॉस में जा रहे थे, फिर भी 319 करोड़ रुपीस के आसपास इसने अपना परफॉर्म किया था, ओके। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देख लीजिए, 5% का डिविडेंड, 5 रुपये का, सॉरी, 5 रुपये का डिविडेंड 2020 में दिया है, 19 में भी 2.5 रुपये का, इसके अलावा 18 में 1.75 रुपीस का, ओके। तो डिविडेंड देने के मामले में भी कंपनी अच्छी है, डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी तरफ आप ध्यान बना के रखिए, ये काफ़ी बहुत बेहतरीन कंपनी है, जितना गिरे उतना उठा लीजिए। लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये चार्ट भागा है, किस तरीके के अपने अगर देखेंगे ना, तो लगभग लगभग 1500% तक के प्रॉफिट रिजल्ट इसने अपने दिखाए हैं 10 साल और 12 साल में। तो आइए एक बार इसके डिविडेंड वगैरह की एक बार मैं आपको बता दूं, डिविडेंड तो अच्छा देता ही है, ओके, डिविडेंड का परसेंटेज तो अच्छा ही है, एज वेल एज बोनस देख लीजिए, 1.1 का बोनस इसने 2016 में ही दिया है, एक बार स्प्लिट भी हुआ है, 10 की फेस वैल्यू थी, अब ओके, अभी 2 रुपये की, 2016 रुपये, 2016 में इसने अपना स्टॉक का स्प्लिट भी किया है, और मेरे ख्याल से 2 बार ये राइट इशू भी लाया है, 2006 और 2013 में। तो बोनस भी दे रही है, स्प्लिट भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, ओके, राइट्स इशू भी ये ला रही है, शेयर का प्राइस भाग भी रहा है, 10 साल में 1,000 से ज़्यादा परसेंटेज के रिटर्न भी दिए हैं, एक तो क्या चाहिए। और इसके अलावा बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, तो देखिए रिजर्व्स, देखिए क्या बेहतरीन रिजर्व्स है,
पहले 7,271 करोड़ के रिजर्व, फिर 9,490 करोड़ के रिजर्व, फिर 16,403 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व, फिर 19,448.26 करोड़ के रिजर्व, और अभी लगभग 31,693.22 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व, लगभग 32 करोड़ के रिजर्व कह सकते हैं कि अभी भी कंपनी के पास है। जिस कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे होते हैं वो बोनस भी देती है, शायद आगे चल के आपको बोनस भी दे दे। रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, जब कुछ सब कुछ सही चलने लग जाएगा 1 साल 2 साल में तो शायद बोनस भी आपको दे दे दोबारा। इसके अलावा लोन की, आपके डेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए अनसिक्योर्ड लोन इसके पास कुछ भी नहीं है, पहले था जो इसने बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन अपना जीरो कर लिया है, और अभी सिक्योर लोन लगभग 1,04,205.94 करोड़ रुपीज़ का इसके पास डेट है। तो आप कहेंगे कि इतना सारा डेट है सर तो ये इसमें क्यों इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, तो बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी बता दिया है, बजाज फाइनेंस इसकी ही कंपनी है, ओके, इसका सब पार्ट है, और जो काम क्या करता है, लैंडिंग का काम करता है, लैंडिंग मतलब कर्ज देने का काम करता है, और जब कोई कंपनी कर्ज देगी तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंस वाली कंपनी पे हमेशा लोन रहेगा ही, चाहे आप बैंक को उठा लीजिए, आप कहेंगे HDFC बैंक, उसके ऊपर भी लाखों करोड़ रुपीज़ का कर्ज है, सारे बैंकों पर रहेगा, फाइनेंस कंपनीज पर रहेगा, तो डेफिनेटली इस पर भी है, बट सिक्योर लोन है सारा का सारा, तो इसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। ओके, बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है, रिजर्व्स अच्छे हैं। ओके, कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस देख लीजिए क्या बढ़ते हुए उसमें 325,228,241 एंड अभी लगभग 680 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व कैश एंड बैंक बैलेंस इस कंपनी के पास अभी भी है, प्रॉफिट में है कंपनी, इसे कुछ होने नहीं वाला। और एसेट की बात कर लीजिए तो लगभग 1,36,019.15 करोड़ रुपीज़ के इसके पास टोटल एसेट भी है, तो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी कंपनी है। 40% अभी भी लो पे चल रही है, आप इसकी तरफ ध्यान बनाइए, एक शेयर ही उठा लीजिए, ओके, 5 साल से 10 साल का टाइम दे दीजिए, ये 6,000 रुपये का शेयर आपको शायद अगर 1,000 10 साल का भी देखे और पिछला हिस्ट्री देखे कि इसने 10 साल में कितने रिटर्न दिए, 1,000, तो 1,000% के अगर आपको रिटर्न मिल जाते हैं तो इस शेयर की किस्मत क्या रहेगी आप खुद देख लीजिएगा। अब बजाज फाइनेंस से रिलेटेड, बजाज का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, बजाज फिनसर्व इंश्योरेंस में भी काम करती है जो आजकल प्रॉफिटेबल है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंफर्म कर लीजिए, उससे उनसे भी पूछ लीजिए, एज वेल एज आप खुद की फंडामेंटल एनालिसिस करिए, थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस मैंने भी आपको करके बता दिया, रिटर्न्स, होल्डिंग्स, एज वेल एज बैलेंस शीट, डेट, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसमें आपका जवाब भी दे दूंगा। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न है, 1-2 साल के रिटर्न बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अभी ये 10,000 रुपये से जब कंपनी नीचे आएगी तो आप ऑब्वियसली बात है 1-2 साल में आपको रिटर्न नेगेटिव ही दिखाई देंगे, बट लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखिए पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, और अभी जो आपको वैल्यू मिल रही है 2019 के हिसाब से मिल रही है, देखिए 2018-19 में ये शेयर, मतलब उन यहाँ देख लीजिए 2019 में चलता था ये फरवरी में इतना, ओके, 1 साल पीछे के हिसाब से आपको ये शेयर मिल रहा है, तो इसको उठाइए और बेनिफिट लीजिए। सो दैट्स इज, देखो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, ताकि ये मोटिवेशन मेरा बनता रहे, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सके, एज वेल एज हमारी शेयर बाजार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके, वो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सके। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस दोस्तों, बाय।